नो फियर ई स्पोर्ट्स था। बाकी हैदराबाद हाइड्रास की स्क्वाड इनकी फाइट इनिशिएट होता हुआ 8-bit के स्क्वाड के साथ मैट बैन को नॉक करेंगे सीधा पुश यहाँ पे करते हुए एंड मुश्किलों से जूझते हुए आई थिंक रोटेशन के द्वारा पकड़ा गया था 8-bit मैट बैन को। बस गाड़ी तो नहीं दिख रही शायद से ओपन एरियाज पे। ओके ओके यहाँ पे पीछे है गाड़ी। ऐसे तो रश करने के लिए आए थे पर यू टर्न करके अलग दिशा की तरफ चले जा चुके एक 2-2 स्प्लिट में रश करते हुए। हायर ग्राउंड एडवांटेज लेके टीम हैदराबाद हाइड्रस के दो खिलाड़ी अगर एग्रेस कर रहे तो उसके साइड से ईस्टर्न साइड से या तो वेस्टर्न साइड से बाकी खिलाड़ी एग्रेस करते हुए। वैसे तो इनको लग रहा था कि शायद से स्मोक के अंदर कोई है पर नहीं वहाँ पे तो कोई नहीं था। अलग दिशा पे ऑलरेडी चले जा चुके थे 8-bit के खिलाड़ी पर दो ही खिलाड़ी यहाँ पे फंसते हुए अल्ट्रॉन पेनॉक निकालेंगे जरूर पर रेगुलर टॉस इनके अलग फाइट चल रही है। यप पीछे से 249 के मदद से नॉक निकालेंगे ह्यूमनॉइड इसी के साथ इनके एलिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखते हैं क्या एक रिटालिएशन टीम 8-bit दिखाएंगे। वैसे तो ह्यूमनॉइड एलिमिनेट किए जाएंगे एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे रेगुलर टॉस सिक्योर करते हैं 249 इज प्लेस इंटरेस्टिंगली एंड जोकर टॉप जी जूसी को नॉक करते हुए एंड इसी के साथ टीम 8-bit मात्र दो खिलाड़ियों के साथ ही यहाँ पे फाइट लेनी इनको पड़ेगी। जूसी को रिवाइवल देना पॉसिबल नहीं होने वाला है तो यहाँ पे एलिमिनेट ही होते नजर आएंगे। अल्ट्रॉन एच भी काफ़ी ज़्यादा कम थी एंड यहाँ पे बर्स्ट देने के प्रयास कर रहे रेगल टॉस लगातार देखना पड़ेगा क्या हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे नहीं। पीछे से अगर M4 होती तो शायद से सीन्स अलग रहती बड़े आसानी से स्प्रेज यहाँ पर डील कर सकते थे पर M249 उतनी आसान रहती नहीं है स्प्रेज डील कर पाना। गॉडलाइक नहीं है गाइस बट आई थिंक रोटेशन दे चुके हैं। अब हैदराबाद हाइड्रास की स्क्वाड को पता चल गया कि यहाँ पे रहना खतरों से खाली नहीं है अच्छी पोजीशन नहीं है यहाँ से अपने पोजीशन चेंज करेंगे एक अलग दिशा से फाइट लेने के प्रयास एक कर सकते हैं पर काफी ओपन एरियाज के तरफ से रश करने के प्रयास एक कर तो रहे हैं पीछे नहीं हटने वाले। देखना पड़ेगा 8-bit जो ओपन एरियाज पे फंसी हुई थी क्या एक फाइट फिर से ये लेना चाहेंगे कि नहीं। ऐसे 8-bit माइटी इनको कवर देने के लिए आ चुके हैं। हैदराबाद हाइड्रास के दो खिलाड़ी एक साथ पुश करते हुए मुश्किलों में टीम 8-bit नजर आएंगी। एक 3v2 की फाइट रहने वाली है पीछे से जोकर टॉप जी इनकी भी एंट्री होता हुआ नेड करेंगे नेड से कुछ वैल्यू यहाँ पे निकाल नहीं पाएंगे पर माइटी बेहतरीन रिटालिएशन दिखाएंगे नॉक निकालते हुए। शायद ओपी इनके ऊपर नीड की प्रयास करते हुए रेगुलर टॉस कामयाबी हासिल करेंगे हल्के से डैमेज पड़ते हुए पर कहीं ना कहीं शायद ओपी ट्रेड फायर्स एंड ऐसे के साथ रेगुलर टॉस इनके यहाँ पे नॉक निकलती हुई टीम हैदराबाद हाइड्रास थर्ड पार्टी का शिकार होते हुए एटीटी गमलो बॉय इसी के साथ आखिरी फिनिश पॉइंट सिक्योर करेंगे। तो रेगुलर टॉस इनको रिवाइवल दिया नहीं गया था क्योंकि एक थर्ड पार्टी एटीटी के स्क्वाड की एंड उसकी वजह से 8-bit माइटी इनको फॉल बैक करनी पड़ रही है। मात्र 3 फिनिश पॉइंट्स हैं इनके पास जो हैदराबाद हाइड्रास के 3 फिनिश पॉइंट्स थे बाकी अबे फॉल बैक करनी पड़ेगी इनको भी नॉक किया जाएगा। ये क्या चल रहा है टारगेट ई स्पोर्ट्स मॉली करेंगे डैमेज तो पड़ी नहीं है पर रनेड्स के भी प्रयास यहाँ पे आरंभ करते हुए आदान प्रदान रहेंगी जरूर। बाकी माइटी देखना पड़ेगा क्या क्लच इनके तरफ से देखने को मिल सकती है पैनिक रूम के अंदर तो नहीं है पर एक नेड से पूरा खेल यहाँ पे बदलता तो हुआ नजर आ सकता है। फ्री फायर ये देख के घुस रहे पर व्हाट जस्ट हैपेंड व्हाट कुछ ज्यादा ही ओवर एग्रेसिव होने के चलते यहाँ पे एलिमिनेट होते नजर आते। बाकी फोकिंग ई स्पोर्ट्स इनके भी फाइट एंटिटी गमला बॉय इन्होंने नॉक निकाला जरूर था पर स्पॉट किया जा चुका है। देखना पड़ेगा क्या फोकिंग ई स्पोर्ट्स के पास ये पोजीशन पता है। जी हाँ 8-bit माइटी की पोजीशन पता है पर ऑक्टेन फिनिश पॉइंट सिक्योर करने के प्रयास करेंगे पर नाकामयाब रहेंगे। आई थिंक गाड़ी होती तो शायद से एक फ्लैंक एंगल क्रिएट कर सकते थे जी हाँ लूजर स्पॉट करेंगे एंड आई थिंक किसी के साथ 8-bit माइटी यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। यस टीम वर्क बेहतरीन फोकिंग ई स्पोर्ट्स के एक और चिकन डिनर अपने खाते में डालते हुए इनिशिएट करते हुए एंड 8-bit के स्क्वाड इन्होंने 7 हिल्स की स्क्वाड को इसी के साथ एलिमिनेट किया है 3 फिनिश पॉइंट्स। मैडमैन और बीस्ट आगे बढ़ते हुए सामने टीम 2 और 2 की स्क्वाड है स्पॉट करेंगे एंड अब एक 3v3 की फाइट में एंगेज करते हुए MJ इन्होंने स्पॉट किया मैडमैन को नॉक करते हुए पर बीस्ट के द्वारा कवर फायर आता हुआ इनफैक्ट रेगल टॉस इन्होंने नॉक निकाला है एंड अब अग्रेस करते हुए सोन के बाहर ही
यू नो ये फाइट्स रहने वाले हैं, मुश्किल रहेगी पीछे से। पंख इन्होंने भी स्पॉट किया, लगातार गोली चलाने के प्रयास करेंगे, इसी के साथ एक और खिलाड़ी नॉक हो जाएंगे, रेगल टॉस आखिरी खिलाड़ी बचते हुए टीम 8-bit के, एंड ये नेट कनेक्शन ढूंढ पाएंगी, ड्रोनी को नॉक किया जाएगा एंड दोनों टीम्स के अब एक एक खिलाड़ी बचेंगे। एंड पीछे से What just happened? टीम अंडर गॉड्स इन्होंने थर्ड पार्टी किया एंड इसी के साथ टीम डू और डाई इनके स्मैच एलिमिनेशन होता है। रेगल टॉस आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, गाड़ी से रोटेशन देने के प्रयास करते हुए एचपी काफ़ी ज़्यादा कम, मात्र एक बुलेट के बचेंगे एंड इनको भी नॉक किया जाएगा। एंड टीम 8-bit इनके आखिरी खिलाड़ी जूसी के पास 21st aid kits, पर 8-bit जूसी ये तो जोन के अंदर आ चुके हैं, 1v1v1 की फाइट रहेगी। वैसे चांस है 8-bit के स्क्वाड को चिकन डिनर लेने के लिए, पैनिक अटैक को स्पॉट किया जा चुका है एंड एलिमिनेट करेंगे। एंड इसी के साथ ज़ेरॉक्स सामने इनके, 8-bit जूसी हील करेंगे, 8-bit जूसी फुटस्टेप्स आ रही होगी इनको एंड अब चिकन डिनर की तलक रहेगी इनके सामने। यप आई थिंक स्पॉट कर चुके हैं, अब यहाँ से दिख रही है वैसे तो। स्पॉट कर चुके हैं डैमेज डील करते हुए एंड इसी के साथ एक शॉट रहेंगे। नो ये कैसे हुआ? ज़ेरॉक्स विद दैट ब्रिलियंट